दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद शिमला लौटे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं शिमला कुसुमपट्टी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से संगठन में फेरबदल की अफवाहों पर विराम लगाने का आग्रह किया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि संगठन में फेरबदल को लेकर कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं। पिछले कुछ महीनों से संगठन में भी फेरबदल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ये हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने हिमाचल से सभी वरिष्ठ जो है कांग्रेस जनों को बुलाया, कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को बुलाया था। एक्स-एमएलएस भी उसमें मौजूद थे और पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं वो भी उसमें मौजूद थे और यही दिशा निर्देश दिए हैं कि मंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर और एकजुटता से इकट्ठे होकर आने वाले चुनाव के जो इलेक्शन है, हमारे आने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, उसको लेके हाईकमांड बड़ी गंभीर है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा जाए और ताकि पार्टी को वापस सत्ता में लाया जाए और हम सरकार बना के एक संदेश जो है, जैसे 4 सीटें हम लोग जीते थे हिमाचल प्रदेश में, उससे एक माहौल बन गया था, वैसे ही जो है पूरे देश में माहौल जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस की जब आएगी तो वैसे ही माहौल बनेगा, यही दिशा निर्देश जो है उन्होंने सभी को दिए। देखिये, जहां तक गुटबाजी है, गुटबाजी की बात करते हैं, देखिए गुटबाजी तब तक होती है या लॉबिंग तब तक होती है जब तक कोई पोस्ट जो है वो रहती है किसी, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं और पार्टी बनने के बाद सभी इकट्ठे होकर काम करते हैं। गुटबाजी के ऊपर हमने यही मैडम से रिक्वेस्ट करी है क्योंकि आकलन लगाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है, करीबन 6-8 महीने हो गए हैं इस बात को पेंडेंसी चलते हुए, तो हमने यही उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर चेंज करना है तो समय पे चेंज किया जाए, नहीं करना है तो उस पर विराम लगाया जाए, यही उनसे आग्रह किया है ताकि कार्यकर्ता भी जो है असमंजस में ना रहे। कि जो 5 राज्यों के चुनाव थे, निसंदेह कहीं ना कहीं कमी रही होगी, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लोगों ने वोट डाली है, उनके मैंडेट को हम सर आंखों पर रखते हैं, उस बात पर भी बिल्कुल चर्चा हुई है कि इन प्रदेशों में कांग्रेस क्यों नहीं आ पाई।